नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और सिलसिला बाजारों का में आप सभी को धनतेरस की मार्केट टाइम्स टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे कि आज धनतेरस के दिन सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, जो कि हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगी। सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने चांदी से शुरुआत करेंगे अपडेट के साथ। तो बीते सत्र में हमने देखा था कि जो सोना चांदी थे वो तेज डॉलर और अन्य कारणों की वजह से कुछ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए थे, लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आए थे। वहीं आज की बात करें तो आज भी सोना चांदी लाल निशान पर हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज के जो लेवल्स हैं वो कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आज बताएं तो गोल्ड का स्पॉट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में 1792 डॉलर पर है और सिल्वर 24 डॉलर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोने चांदी की कीमतों में स्पॉट मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है, क्योंकि डॉलर में एक हल्की सी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्का सा एक बढ़त बनती हुई नजर आई है। और दूसरा, धनतेरस का भी मौका है तो घरेलू वायदा बाजारों से एक डिमांड निकलते सामने आ रही है। तो आज धनतेरस के दिन सोना चांदी बेचना सही रहेगा या खरीदना, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, धनतेरस का दिन है, आपको क्या लगता है धनतेरस पे क्या सोने चांदी में एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि लेवल्स कल के मुकाबले आज कुछ सुधरते हुए नजर आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या धनतेरस के दिन सोने में निवेश करना शुभ रहेगा? देखिए बिल्कुल अखिलेश, धनतेरस की पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम्स को धनतेरस की ढेरों बधाइयां और सभी व्यूअर्स को भी, सबके लिए धनतेरस शुभ हो। और जहां तक धनतेरस की बात है, बिल्कुल धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। और अगर हम धनतेरस पर सोना खरीदते हैं तो ऐसी मान्यता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। तो धनतेरस पर सोना खरीदना अच्छी बात है। और अगर इसको हम एक साल का ओवरव्यू लेके चलते हैं, एक साल के आउटलुक की बात करते हैं, तो एक साल के अंदर बिल्कुल सोना अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछली धनतेरस जिन्होंने सोना खरीदा होगा और आज आप सोने का प्राइस देखिए, अच्छा रिटर्न जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम एज इट इज, अगर अब आज के दिन हम सोना खरीदते हैं तो आने वाले एक साल के बाद इसके अंदर भी हमें अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, सोने के अंदर फिलहाल खरीदारी में ही रहना चाहिए और आज के दिन बिल्कुल सोना खरीद कर चला जा सकता है। जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कुछ प्राइसेस सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कच्चे तेल में एक बार फिर से डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतें अच्छी लेवल्स पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो तो उतना को उतना ही है? अखिलेश देखिए, जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल में अभी स्थिति जो है वो बदलती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है। मीटिंग से पहले ही कच्चा तेल दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर 8 हफ्ते की रैली के बाद कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल 4 नवंबर को ओपेक जो देशों की है वो बैठक है, इससे पहले इसके अंदर दबाव आया है। वहीं यूएस राष्ट्रपति का कहना है G20 को कि प्रोडक्शन बढ़ाने पर उन्होंने अपील की है G20 से कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और पीछे यूएस की इन्वेंट्री भी बढ़कर आई है। और उधर ईरान के अंदर जो परमाणु डील पर डिस्कशन चल रही है उससे भी कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कच्चे तेल की कीमतों पर फिलहाल छोटा सा दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कच्चा तेल अभी हाल फिलहाल में दबाव के अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे लग रहा है कि अभी प्रेशर जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन 4 नवंबर के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या अपडेट निकल कर आता है। उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार छोटे कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अगर प्रोडक्शन के ऊपर सहमति नहीं बनती है तो वापिस एक कच्चा तेल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात इंट्राडे की करें तो इंट्राडे में एक बार 6340 तक ऊपर कच्चा तेल आ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे में 6280 ये जो है रेंज फिलहाल देखने को मिल सकती है। जी से रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देख रहे हैं आज कुछ दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कॉपर की इन्वेंट्रीज कम है, तो क्या कॉपर में आगे जाके तेजी देखने को मिल पाएगी और क्या उसका असर अन्य बेस मेटल्स की कीमतों पर भी देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी बेस मेटल्स के ऊपर आज जरूर दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत बाजारों में आज गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल बेस मेटल जो है छुटपुट गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे बाजारों में बहुत ज्यादा कोई मंदी बेस मेटल्स के अंदर दिखाई नहीं देती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप मान के चलिए कि सभी बेस मेटल्स प्रेशर के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी दबाव जो है वो गहरा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। 738 तक फिलहाल
फिलहाल कॉपर आते हुए दिखाई दे सकता है, तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के बीच में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके अंदर ऊपरी स्तरों पर फिलहाल जो है वो आज इंटरडे में बिकवाली का दबाव आ सकता है, लेकिन निचले स्तरों पर वापिस से खरीदारी हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे तेजी रहेगी या मंदी, जिस हिसाब से डिमांड फैक्टर है अब? देखिए नेचुरल गैस में अब दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। अभी आप देखिए 400 के नीचे लुढ़क चुकी है, कल के कंपैरिजन में आज जरूर 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली थोड़ा सा आगे चल के प्रेशर जो है वो इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने गैसोलीन और डीजल का रिजर्व रिलीज कर दिया है, इससे इंपैक्ट जो है वो डाउनसाइड आता हुआ फिलहाल दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कीमतें लुढ़कती हुई दिखाई दी हैं। यूरोप में 6 हफ्ते के निचले स्तरों तक भाव फिसल चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को यूरोप में बहुत बड़ी गिरावट जो है इसके अंदर देखने को मिली थी, लगभग 15% की गिरावट पिछले हफ्ते दर्ज की गई थी नेचुरल गैस के अंदर, और अभी भी अप्रैल से नेचुरल गैस में जोरदार हम रैली देख रहे हैं और अभी भी उठापटक का माहौल जारी रह सकता है। और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 380 के आसपास नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 420 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज धनतेरस के दिन नॉन एग्री में क्या टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज बिल्कुल धनतेरस का दिन है और आज सोने का ही दिन है, तो बिल्कुल आज सोने में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, और जो इंट्राडे स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं वो भी बाय कर सकते हैं। 47,760-780 की रेंज अगर मिलती है, थोड़ा करेक्शन मिले तो आप वहां पर आज सोने में निवेश कर सकते हैं। इंट्राडे में सोना हो सकता है आज आपको 48 ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, और फिजिकल मार्केट में आज का निवेश एक साल के अंदर बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। जी फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीए पर।